सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में 72वें गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और उन्होंने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस बार परेड का सूक्ष्म रूप देखने को मिला। परेड में पुलिस की दो टुकड़ियों और होमगार्ड के जवानों की एक टुकड़ी ने परेड में भाग लिया। इस बार 26 जनवरी का कार्यक्रम में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मनाया गया। इससे पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग कारगिल शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में इस बार विभिन्न विभागों की तरफ से 50 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की झलक पेश की गई। इस अवसर पर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि इस दिन वर्ष 1950 को संविधान लागू हुआ था, जिस कारण ये दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत में गणतंत्र दिवस एक त्योहार से कम नहीं है। पूरे देश में जाति पंथ धर्म की परवाह किए हर देशभक्त ये राष्ट्रीय पर्व मनाता है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसे अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भाई और बहनों, मां शूलिनी की इस धरती पर और सोलन की अबीर भूमि हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। मैं इस वीर भूमि को मां शूलिनी की भूमि को मैं नमन करता हूं। हम सब देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और देश के अंदर एक संवैधानिक व्यवस्था कायम हुई थी, जिसके तहत हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हुआ था।